Without cover? Look your face. Oh yeah. Is Shruti here? Yeah, Shruti. Shruti. Yeah. No. Wait. One picture. You'll do one. Just let me show you this one. Thank you, guys. Oh yeah. That's it. Full. Good. Thank you. Thank you.
इका साइडला येतो का रे ए इकडे शटअप 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 ए शटअप इकडे ये ऐकला राजी नाही रे ए शटअप अरे हे साइडला इकडे फोटो करू आपण उर्वशीची या हे काय मंद आहेत रे लोक. अरे मी तर मागे यार, मी किती मागे. अरे हे साइडला आहे ना, इधर खडा करते. एक्सक्यूज मी, सिट ना. दिस यंगेस्ट क्लायंट उर्वशी जी. सर सर का हां बस. एक्सक्यूज मी मैम, यस टेक लुक, कम क्लोज ना उर्वशी जी. उर्वशी यार ये लेफ्ट साइड है. एक दोनों का करते हैं थोड़ा थोड़ा. अरे अरे मैडम तिला भी उठा क्या. अरे सीख गई सीख गई. हाँ दोनों को एक करते ना साथ. मैम दिस वे थैंक यू. अरे व्हाइट लाइट फिर मार रहा यार. कुणाल यार बंद करना, क्यों दूसरे की वाय वो कर रहा. ठीक है आधा घंटा है ना अभी रुकना. मित्र बस ना दादा काय तुझा हेड येतो. Everyone gets typecast in one. Hello, kuch hai. Hello, kuch hai.
समर कलेक्शन आप भी यहाँ पर सभी चीज़ें ध्यान से देख रहे हैं, आप बताइए कि कितना पसंद करते हैं आप? बहुत अच्छा, श्रुति ने बहुत ही अच्छा कलेक्शन रखा है आइटम समर का, और मेरे ख्याल से इस तरह का कलेक्शन होना चाहिए, अलग अलग टाइप का विंटर कलेक्शन, समर कलेक्शन, और ख़ास करके समर में गर्मी बहुत होती है तो बहुत ही हल्का फुल्का जो है, और जिस तरह से मेरे ख्याल से कपड़ा टेक्सचर और जो कलर्स है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पेस्टल कलर्स बहुत ही अच्छा यूज़ किया है, तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके और लोगों से इंटरेक्ट करके और पूरा एक डिज़ाइनिंग का शोरूम दिख कर। मैं नॉर्मल, बिकॉज देखो मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, हम जिधर भी जाते हैं या चेन्नई में जाते हैं, गर्मी बहुत होती है, और तो यहाँ पे बेसिकली कभी कभी वही कि अपना लिनन पहन लेता हूँ, मैं नॉर्मल टी शर्ट पहन लेता हूँ, फिर ऐसे कॉटन शर्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि मुंबई में खास करके गर्मी होती है, पसीना बहुत आता है, तो समंदर है यहाँ पे, तो अदरवाइज नॉर्मली कपड़ा जो होता है वही पहनना चाहिए। मैं सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एक दो सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जल्दी उसकी ऑफिशियल घोषणा करूँगा, मैंने न्यूज़ में आते रहता कुछ ना कुछ आते रहता है, अभी कुछ नहीं, इसीलिए बोला ना, ये देखिए क्या होता है कि अलग अलग विभिन्न पत्रकार की तरफ से, विभिन्न चैनलों की तरफ से अलग अलग चीज़ें आती है, लेकिन अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया। मैं डेफिनेटली फिल्में बना रहा हूँ, एक एक्शन फिल्म प्लान कर रहा हूँ, जो इंस्पेक्टर गालिब जिसका नाम मैंने आपको बताया उस पर काम चालू है, और एक दो पिक्चर और भी है, सीरीज़ है, उस पर काम चालू है, तो अभी टाइम है, तो उसको मैं रिसर्च कर रहा था एक सब्जेक्ट पे, इंस्पेक्टर गालिब पे खास करके पिछले 6 महीने से, तो उसमें टाइम गया, लेकिन वो पिक्चर का भी स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद बस घोषणा करूँगा, ऑफिशियली आपको बता दूँगा। देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 2014 में भी हुआ है, तो मेरे ख्याल से मैं तो यही आग्रह करूँगा कि लोगों को, सब लोग को जो उनके पसंदीदा चुनाव क्षेत्र में जो MPs खड़े हैं वो सब अपने हिसाब से जिनको वोट करना कर सकते हैं, और डेमोक्रेसी सबको अपने अपना राय है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और मेरे ख्याल से यही चाहूँगा कि सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने जैसे वोट दे उंगली दिखा, एक मुहिम भी हम लोग छेड़े ये किया था वोटिंग के लिए, सबके लिए वोटिंग हमारे जैसे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो एवरीबॉडी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हर कोई इसको वोट करे, जो अपने अपने जो जिनको अपनी पार्टी को, अपने जो कैंडिडेट है उस एरिया में खड़े वो उनको वोट करें। थैंक यू। इकडे घे ना, हे इकडे मार, आणू या थोडा लेफ्ट साईड।
पार्टी हटू लेफ्ट साइड ले स्ट्रेट लुक हो हो दादा साइड पार्टी क्या क्या हाँ हाँ बस लुक यू प्लीज लुक यू वेट टू मिनट्स भाई इसे इधर मत देखिएगा तो देखिएगा ओके पहले आप फोटो ले लीजिए उसके बाद पोज चेंज थैंक यू You want two pieces already of the new one. Okay, Anupriya ji, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि summer start हो चुका है. Summer में किस तरह के outfit wear करना पहनना पसंद करती हैं Anupriya? Basically, something like that I'm wearing right now. It's a nice color, it's bright, it's easy and, you know, kind of brings about lightness in the environment. Something which is bright in color and easy to look at also. Ji, absolutely. मेरा ऐसा सोचना है कि इंडिया में 9 महीने तो गर्मी रहती है इंडिया में 9 महीने तो गर्म रहता है तो यहाँ पे तो विंटर्स बोल के तो कोई चीज़ ही नहीं है तो इजी ब्रीजी जो हमारे इतना गर्म जो रहता है उसमें हमको इजी ब्रीजी क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं जिसमें हम स्वेट ना करें कंफर्टेबल रहें और प्लस क्या होता है कि ऐसे भी हमारे इंडिया में बहुत ब्यूटीफुल फैब्रिक्स और टेक्सटाइल्स मिलते हैं हमको ये विरासत में मिला है द अनसरपास लेगेसी ऑफ वीव्स एंड टेक्सटाइल्स विच वी इनहेरिटेड इज लाइक हम इंडियन डिज़ाइनर्स और इंडियंस को ये मिला हुआ है ये हमारी लेगेसी में है तो हमको उसी पर हम अगर हमारे क्लाइमेट के लिए सूट करता है हमें वही पहनना चाहिए ताकि हम कम्फर्टेबल रहें और खुश रहे ये जो आपने अनुप्रिया जी को प्रेजेंट किया है ये प्राइस के बारे में जरा बताइए ये मेरा बहुत ही फेवरेट पीस है और अनुप्रिया भी मेरी बहुत फेवरेट है सो ये FDCI में मेरा भी जो स्प्रिंग समर कलेक्शन लॉन्च हुआ था तो उसमें मैंने ये रैंप का पीस है तो उसमें पहना गया था एंड ये चेक्स भी है तो मॉडर्न भी दिखता है और अपने इंडियन क्राफ्ट भी है और फैब्रिक भी इंडियन लिनन से ही वोवन है तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी जॉब मिलता है और काफ़ी कुछ मिलाकर एक इंडियन और जो इंडियन सोल बट ग्लोबल सिटीजन के लिए एक परफेक्ट आउटफिट है ये वेरी वेल सेड सो फेवरेट जी आप बताइए आप बताइए आप कितना कंफर्टेबल हैं इस आउटफिट वेरी कंफर्टेबल एकदम टॉल सो आई एंड आई लव ड्रेसेस आई लव यू नो गाउनी ड्रेसेस बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस विद गाउन्स आर दैट दे आर टू हैवी टू कैरी एंड यू वांट देम टू बी लिटिल कैजुअल आल्सो सो दिस दैट वे इज अ परफेक्ट अटायर कि मैं उसको एक कैजुअल सेटिंग में भी पहन सकती हूँ एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल एट द सेम पॉइंट इन टाइम आई कैन मेक इट इन एन इवनिंग सॉर्ट ऑफ एन अटायर वेयर आई कैन गो टू
to a formal occasion with this. And as she said, this is beautiful because this has an Indian feel to it. So it gives me the aesthetics. Indian mein mujhe apna aesthetic hai na sense, wo aur kisi cheez mein nahi hai. But this also has very Pradhan Mantri ka make in India follow kar rahe hain. And I love the embroidery on this. ये तो मेरा एक नया रेंज है हमारा अभी हमने एक नया रेंज चालू किया है उसको हम प्रेट रेंज कहते हैं बिकॉज आज हमारा ये पर्टिकुलर तीन चार जो रैक्स है हमने एक नया ब्रांड किस लिए चालू किया है कि सबको फैशन होना चाहिए ये नहीं कि जिनके पास बहुत मनी हो उन्हीं को मिलना चाहिए एंड या हर इसमें हर साइजेज में भी अवेलेबल है और ये हमारा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में स्टोर भी खुला है तो उसमें भी अवेलेबल है तो इसलिए हमने इंडिया का देखिए सब जो है बांधनी प्रिंस लहरिया प्रिंस मोथरा ये सब इंडिया का एक विरासत में मिला हुआ हमारे हेरिटेज में बट इसको हमने कंटेम्प्रेरी मैनर में प्रेजेंट किया ताकि ग्लोबली भी जो आए वो भी इंडिया का क्राफ्ट हमसे खरीद के ले जाए और प्लस ऑफकोर्स इंडियन सिटीजन तो लेंगे ही हमसे अनुप्रिया तो मारवाड़ी है और पद्मावत की रानी सा है तो वो तो बांधनी पहनेंगी रानी सा तो बांधनी पहनते ही है एक्चुअली That's true. And I मैंने अभी recently श्रुति की एक साड़ी पहनी थी at an award function, which really got very rave reviews for me. And I love the साड़ी. I love the colors that she chooses. You know, her color and aesthetic sense is extremely beautiful. तो everything that श्रुति makes is one of my favorite items only. तो मेरे को अपना bank balance पहले check करना पड़ता है before coming to her shop. नहीं नहीं. I'm gonna be wearing a lot of hers very soon. मैं अभी थोड़ा बस फॉलो करने वाली बट पद्मावत आई लव्ड हर शी वाज रियली इम्प्रेसिव थैंक यू सो मच आपने तो क्रिमिनल जस्टिस भी नहीं देखी पहले वो जाके देखिए दो के बाद है मेरा तो पहले वो जाके देखिए देन फाइनल कॉल है जो Z5 पे आई थी अर्जुन रामपाल की वेब सीरीज वो भी है अभी ऑनलाइन एंड देखी अरे वाह नाइस चलो वेरी गुड एंड अभी सीक्रेट गेम्स 2 आने वाला है एंड असुरा करके एक वेब सीरीज़ है वूट पे वो आने वाली है और एक मैं फिल्म कर रही हूँ जिसका अभी लेकिन फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो जब वो होगा तो वो भी आएगी समवेयर इन द एंड ऑफ द ईयर जी एकदम पूरी तरह सेकंड पार्ट और भी जोरदार है जी Well, I'm playing. मैं देखने वाली हूँ बस अभी थोड़ा सा Secret Games नहीं देखी आपने मैं आई एम वेरी बैड विद वेब सीरीज आई एम सॉरी आई नो मैं बैड आई डोंट वॉच इट आई हैव टू दैट्स ओके शी इज सो ब्यूटीफुल एट हर वर्क दैट शी गेट्स इंस्पायर्ड बाय दैट इट्स वेरी हेक्टिक हियर बट दैट्स अ गुड थिंग सो या द सेकंड पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग दे हैव पुश्ड द एनवेलप इवन फर्दर एंड इवन आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट मेरा ट्रैक काफ़ी अच्छा है सब लोग बोल तो यही रहे हैं Let's hope. I hope the audiences really like it. That's my hope. नहीं यार मेरा बहुत सीधा साधा कैरेक्टर है मुझे गाली देने का अब के बाद मौका नहीं मिला बट मे बी जल्द ही आई नो क्रेजी वाला हाँ हाँ मैं भी चाहती हूँ कि मैं उस तरह के थोड़े इंटरेस्टिंग रोल्स भी करूँ जहाँ आई गेट टू एक्सपीरियंस अ न्यूअर साइड ऑफ माई सेल्फ थैंक यू थैंक यू It's change management.